नहीं जान पाओगे कौन सी घटना क्यों घट रही है, किस चीज का किस पे क्या रवैया है। हम यहां बातचीत कर रहे हैं, वहां कुकर की सीटी बज रही है। बोल तो मैं रहा ही हूं, कोई सुन रहा है, कोई कुकर बजा रहा है। किसी भी घटना में जा करके देखना, कभी उसका ओर छोर पकड़ा जा सकता है क्या? ठीक 30 सेकंड पहले जब मैं बोल रहा था, तुम में से कोई भी ये कल्पना कर सकता था कि इस बातचीत में कुकर शब्द का प्रयोग होने जा रहा है? परमात्मा, कुकर कहां से आया? कुकर बताओ, बोलो। आज तुम यदि इस कुकर को समझ गए तो तुम अपनी सामर्थ्यहीनता को भी समझ जाओगे। कहां से आया कुकर बोलो? तुम्हारा पूरा ज्ञान प्रिडिक्ट कर सकता था कि कुकर आने जा रहा है? बोलो, लगा लो जितने कंप्यूटर लगाने हो। ज्ञान तुम्हारा ये तो बता नहीं सकता कि मैं अगली बात क्या बोलूंगा। तुम परमात्मा की गुत्थी सुलझाने निकले हो। अरे दूसरे को छोड़ो, तुम्हारा पूरा ज्ञान ये भी बता सकता है कि तुम खुद क्या सोचोगे अगला। तुम ये तो कहते हो कि सोच सोच के चुनाव करूंगा, पर सोच का चुनाव कर पाते हो? फिर पूछ रहा हूं, तुम कहते हो सोच सोच के चुनाव करूंगा, सोच का चुनाव कर पाते हो क्या कि अब मैं अगला ही बात क्या सोचूंगा, जरा मुझे चुनने दो, जरा मुझे चुनने दो कि अगला ख्याल मेरे पास क्या आना चाहिए। सोच का चुनाव करा है? अपनी ही सोच का कुछ पता नहीं? इस सोच, इस बॉर्डम सोच, इस अनियंत्रित सोच, इस भटकी हुई सोच के द्वारा तुम परमात्मा का विचार कर रहे हो। बड़ी होशियारी है। अपने बुद्धिजीवियों से पूछना कि जो तुमने सोचा, सोचो कि कैसे सोचा। सोचा ही मत करो, जरा सोच को सोचो, वहां फंस जाएंगे। या तो फंसेंगे या झूठ बोलेंगे, दो ही काम होगा। जरा ईमानदारी होगी तो फंस जाएंगे और कहेंगे अटक गए, और बेईमान होंगे तो कहेंगे नहीं 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 हम सोच के बारे में भी सोचते हैं और हमने उस पर कई पेपर छाप रखे हैं, किताबें हैं। एक जरा सी बात होती है साक्षित्व। कैन यू सी योर सेल्फ थिंकिंग? द थिंकर थिंक्स अबाउट थिंकिंग एंड देन थिंक्स दैट हिज थॉट इज बियॉन्ड थिंकिंग।
और आज के पूरे व्याख्यान के बाद अंशु को एक चौथा विकल्प भी मिल गया है कि जब परमात्मा सामने आएगा तो मैं कहूँगा मुझे कुछ पता नहीं। ऐसा होता है विचार? कुछ भी सामने आता है वो उस पर अपने गंदे हाथ रख ही देना चाहता है। मैंने जो कुछ बोला उसका लब्बो लुबाब ये निकलेगा कि देखो तीन तो थे, तीन विकल्प तो थे ही, चौथा और मिल गया। चौथा क्या मिल गया? मुझे नहीं पता। कि देखिए आप सामने आए हैं, मुझे नहीं पता, मैं बड़ा होशियार हूं, मेरे पास चौथा भी है। हम चतुर्वेदी, हमारे पास चौथा भी है, प्रमोशन हुआ है त्रिवेदी से। दिमाग पर कम जोर डाला करो, जो बातें तुम्हारी क्षमता, तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी औकात की बाहर की हैं उनके बारे में मत सोचा करो। कुछ बातों को स्पर्श करने की कोशिश नहीं करते, छोटे बच्चे हो तुम, माएं सिखाती हैं ना, घना घनघोर जंगल है मत जाना, खो जाओगे। परमात्मा घनतम जंगल है और तुम शिशु, विचार का प्रयोग करके उस जंगल में प्रवेश नहीं करते। पर बड़ा रस आता है, खास तौर पे संसार में हारे हुओं को परमात्मा का चिंतन करने में बड़ा रस आता है। आता है कि नहीं आता है? क्या कर रहे हैं? ब्रह्मचिंतन। मैं बहुत परेशान था, फिर मैंने राम जी के बारे में सोचा और मेरी परेशानी मिट गई। आप भी आज ही ऑर्डर करें विचार उद्दीपन यंत्र। यह आपके विचारों में आग लगा देगा। साइकिल में जेट इंजन लगा देगा, आपका विचार इतनी जोर दौड़ेगा कि राम तक पहुंच जाएगा। दो छोटे छोटे शब्द हैं, 100 दफा कह चुका हूं, तुम मानते नहीं। अचिंत्य अनिर्वचनीय, अचिंत्य अनिर्वचनीय, न सोचा जा सकता है न कहा जा सकता है।
पर Mm-hmm.